बेहतर व्यापार के लिए बेहद जरूरी है कि सुविधाओं का विस्तार हो और तभी ग्राहक बाजार की ओर उन्मुख होता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अधिकांश बाजारों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और उसके साथ साथ फिर बड़ी समस्याएं हैं पार्किंग, अनियंत्रित यातायात और इससे भी बड़ी समस्या इन दिनों जिसे सामना हो रहा है व्यापारियों का, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। अब जब दीपावली जैसे इतने बड़े त्यौहार का समय है, तब इन सुविधाओं के विस्तार के लिए व्यापारी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और इसके साथ साथ व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पर भी अंकुश लगना चाहिए। अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग इसी तरह रही और ऑनलाइन का बाजार जोर पकड़ता है तो फिर परंपरागत बाजारों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। मैं राजू सरदार, आदर्श व्यापार मंडल अध्यक्ष, मानसरोवर जयपुर। व्यापार में क्या क्या समस्या आ रही है व्यापार मंडल में? व्यापार मंडल में काफी दिनों से समस्या देखने को मिल रही है, मतलब कि हमारे व्यापार मंडल के अंदर डिवाइडर को लेके काफी समस्या है। डिवाइडर के अंदर आए दिन चूहे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, निगम इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा, निगम को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके अंदर काफी टाइम से चूहे हमारी तारे खा रहे हैं, तारे खाने की वजह से व्यापार मंडल की आए दिन लाइटें चली जाती हैं, उसकी काफी परेशानी है। ऑनलाइन को लेकर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऑनलाइन को लेकर काफी प्रभाव पड़ रहा है। ये हमारे स्थानीय लोगों को समझना चाहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से हमारे स्थानीय लोगों को कमाई में, आमदनी में काफी फर्क पड़ता है। विदेशी कंपनियों को अगर कमाई दे रहे हैं तो इसके अंदर अंतपंत आकर देखा जाए तो काफी परेशानियां व्यापारियों को ही होगी। और आप लोगों को समझना चाहिए कि अपना स्थानीय व्यापारियों को जितने ज्यादा से ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज्यादा बेटर। दीपावली का त्यौहार तो किस प्रकार मनाया जाता है? दीपावली का त्यौहार हम काफी जोरों शोरों से मनाते हैं, काफी सालों से बनता आ रहा है आदर्श व्यापार मंडल में। लाइटिंग, उसके अलावा सजावट, इसका सौंदर्य देखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सौंदर्य देखिए आप। तो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे को स्थानीय लोगों को समझना पड़ेगा। व्यापार मंडल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से जितना बेटर से बेटर हो सकता है उतनी व्यापार मंडल वाले कोशिश कर रहे हैं, आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि जिस तरीके का लोगों का टेस्ट है, जिस तरीके का लोग चाहते हैं, उस तरीके से हम बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बताओ। मैं आपको एक बात बताऊं, भाई 15 साल हो गए मुझे दुकान चलाते चलाते। जब तक ऑनलाइन नहीं था ना, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था। अब तो मैं इतना कर्जे में हूँ, दुकान बंद करने की नौबत है। दुकानों का बिल्कुल काम खराब हो गया है इस ऑनलाइन के चक्कर में। मैं तो यही चाहूँगा कि सिर्फ ये ऑनलाइन बंद हो जाए ना, तो हमारा हमारे घर परिवार बन जाए अच्छी तरीके से। व्यापारी हूँ, यहाँ सब कुछ अच्छा है, रोड काफ़ी अच्छे चौड़े हैं, लेकिन जो यातायात व्यवस्था है त्यौहार पर, अपने 12 महीने में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है, त्यौहार पे ही आप जाता है व्यवस्था चरमरा जाती है। पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, तो गाड़ी लोग दुकान के आगे खड़ी करते हैं, फिर तो वो दूसरी गाड़ी उसके आगे खड़ी हो जाती है, तो रोड जाम हो जाता है। यातायात व्यवस्था अगर यहाँ पर सुचारू रूप से हो जाए, अच्छी हो जाए, या पार्किंग हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हम बताएं आप अपनी चले जाना। मानसर बड़ा बाजार बापा मंडल सचिव बोल रहा हूँ, गोविंद वाली। यहाँ पर दिवाली की सजावट बहुत शानदार की जाती है, बाहर के आदमी यहाँ पर देखने लायक आते हैं और यहाँ पर सब बापा मिलजुल के काम करते हैं और कोई मतलब यहाँ पर सफाई व्यवस्था अच्छी है, कोई ऐसी बात नहीं है और काम सड़कें भी ठीक होती है और कोई इस तरह से समस्या हमारे पास नहीं है। और ऑनलाइन से जो बहुत बहुत फड़फड़ा है उससे जो होगा बहुत दिक्कत आ रही है। क्या समस्या है? व्यापार में प्रभाव पड़ता है, एक रात ऑनलाइन फोटो लेके आता है, वो कपड़े दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, उसे बहुत फर्क पड़ता है धंधे पे। क्या वो चीज़ें वहाँ इतने की मिल रही है, चीज़ इतने की मिल रही है, वो उसमें बहुत माथापोती होती है, ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। दीपावली पे क्या क्या सजावट की जाती है? दीपावली पे मतलब एक तो लोड जाम हो जाता है, उसकी बहुत व्यवस्था आती है। और हमें बताएंगे, ये बताओ, अभी बताओ भाई।